अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम ये बैंगन बनाने लगे हैं, फ्राई करने लगे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये काट के। व्यूअर्स, मैंने ये पैन ले लिया है। अब मैं इसमें ये बटर डालने लगी हूँ। मैं वेट करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए बटर। और फिर मैं आपको दिखा दूंगी व्यूअर्स, ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरा बटर तकरीबन मेल्ट हो चुका है और मैं इसमें ये बैंगन डालने लगी हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको ये डाल दूँगी बटर में और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये फ्राई किए हुए बहुत ही मज़े के लगते हैं। हम कभी कभी ये बैंगन के साथ सालन भी बना लेते हैं, पर आज मैं सोचा आज हम कुछ डिफरेंट कर देंगे और इसको फ्राई कर देंगे और फिर इसको मसाले के साथ खा सकते हैं, इसमें मसाला स्प्रिंकल करके। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैंने सभी बैंगन इसमें डालते हैं। इसको इंग्लिश में कोरिया बोलते हैं मुझे लगता, और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पर हमने इसमें बटर यूज़ किया है क्योंकि बटर ज़्यादा हेल्थी है तेल के अलावा। तो व्यूज़, आप भी ज़्यादातर बटर यूज़ करें अपने खाने में क्योंकि वो ज़्यादा हेल्थी होता है और मुझे लगता है बटर ज़्यादा टेस्टी भी हो जाता है, खाने को ज़्यादा मज़ेदार बना जाता है। और ये देखिए इसमें आपको अभी इसको अच्छी तरह से भूनूंगी थोड़ी देर के लिए, और 2 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी व्यूअर्स। ये देखिए व्यूअर्स, अब तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से मेरे बैंगन भून चुके हैं। अब मैं इसको इस पर थोड़ा सा नमक डाल दूँगी टेस्ट के मुताबिक, थोड़ा सा जीरा भी डाल दूँगी ऐसे, और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि अच्छी तरह से सारे पास्ते तैयार हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ये तकरीबन बन चुका है। और मैं इसमें मेरी ग्रीन चिली डालने लगी हूँ, ये भी टेस्ट के मुताबिक आप डालना। और ये देखिए व्यूअर्स, अब मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी डालने लगी हूँ, ये ब्लैक पेपर बस थोड़ी डाल दूँगी मैं, और फिर मैं अभी इसको अच्छी तरह से हिला दूँगी 2 मिनट के लिए भून लूँगी। और ये तकरीबन हो चुका है व्यूअर्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज़ मुझको बताना आपको मेरी वीडियो में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। प्लीज़ आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर करना। थैंक यू व्यूअर्स, हाफिज़।